नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में, जहां पर हम आपको नई नई जानकारी से अवगत कराते रहते हैं। तो ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ हम आपके सामने फिर से प्रस्तुत हुए हैं। तो यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको समय पर प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का विषय। आज जो हम विषय लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं ऐसा कि जो जिस विषय से संबंधित जो हमारे किसान भाई हैं वो अक्सर प्रश्न पूछते रहते हैं। दोस्तों उनका जो प्रश्न रहता है वो ये रहता है कि जैसे कि उनका पशु ब्याया और ब्याने के बाद में उनको उसको क्या हम फीड दें जिससे कि वो छटाव अच्छा करे और दूध पे भी अच्छा बना रहे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं कि ऐसा क्या हमें देना चाहिए, क्या हमें खिलाना चाहिए पशुओं को, जो उनको एक अच्छा स्वास्थ्य और किसान को आर्थिक तरीके से मजबूत बना सके। तो दोस्तों ये जो हम उपाय आपको बता रहे हैं, मैं अपनी गायों के लिए हमेशा यही चीज़ें करता हूँ, तो आप भी इस चीज़ों को करेंगे तो आप निश्चित ही आपको इससे लाभ होगा और आपका पशु तंदुरुस्त बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमने सबसे पहले लिया है बिनोला, जिसको बिनोला बोलते हैं, जिसको जो कपास का जो बीज होता है वो हमने लिया है। दूसरा हमने इसमें जो लिया है वो लिया है चने का छिलका, जो आपको आराम से किसी भी पशु आहार वाले की दुकान पर उपलब्ध हो जाएगा, तो ये आपको लेना है। तीसरा हमने जो ली है वो ली है सरसों की खली। सबके यहाँ पे अलग अलग हैं, किसी के जैसे अभी हम उत्तर प्रदेश से हैं तो यहाँ पर हमारे सरसों की खली ज़्यादा चलती है और होती है प्रचुर मात्रा में, तो हम यहाँ पर सरसों की खली का प्रयोग करते हैं। कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पर बिनोले की खल का प्रयोग किया जाता है, तो यदि आपके पास में बिनोले की खल प्रयोग होती है तो आप जो है बिनोले का कम मात्रा में प्रयोग करें और बिनोले की खल उसमें आप प्रयोग करें। चौथा जो अब हम राशन लेंगे वो हम लेंगे गेहूं का दलिया। तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये गेहूं का दलिया, गेहूं को पीस के इसको दरदरा करके इसका दलिया बनाया हुआ है। तो हमने जो सामग्री है वो अभी तो हमने पशु के ब्याने के हिसाब से ली है, इसको आप घटा या बढ़ा भी सकते हैं जैसा पशु का उत्पादन है उसी के हिसाब से। जैसे कि आपका पशु कोई 10 लीटर दूध देता है तो उसको एक दिन में कम भी आपको 4 से 5 किलो दाना देना है, जिससे कि उसका दूध बना रह सके और वो अपने दूध उत्पादन को एक जगह पर स्थिर रख सके और उससे घटे ना, उससे बढ़े ही। तो दोस्तों इसके बाद में जो हम लेंगे उसके बाद में हमने लेना है गुड़। तो जैसे कि हमारी वीडियो में आपको जो ये दिख रहा है ये राब है, इसमें हमने थोड़ा चूना डाला हुआ है, जिसकी वजह से जो हमने चूना डाला है जिससे कि इसमें थोड़ा किसी तरह का सील सिला भी ना आए, ख़राब ना हो, तो इसको हम लेंगे। तो इस सभी को हमने समान मात्रा में लेके इसको हमने किसी बड़े बर्तन में गर्म करना है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इसको हमने उबाल लेना है। उबालने के बाद जैसे ये उबलता रहे इसको आपको कम से कम भी आपको इसमें एक उबाल लाना है, जिससे कि जितना भी इसमें हमने सामान डाला है वो सामान अच्छे से पक जाए और एक दूसरे में मिक्स हो जाए। तो ये मिक्स होने के बाद में आपको करना क्या है कि इसको हाथ से, तो जब ये ठंडा हो जाए तो आप इसको हाथ से चला देंगे, जिससे कि सारा का सारा सामान इसमें मिक्स हो जाएगा। आप किसी डंडे की या फिर चमचे की सहायता ले सकते हैं इसको चलाने के लिए। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं सारी की सारी चीज़ें हमने बिल्कुल आपको क्लियर बताई हुई हैं। तो इस तरह से आपको इसका पूरा राशन बनाना है और राशन बनाने के बाद में आपने जो भी आपका पशु है उसको खिलाना है। इस सारे सामान को खिलाने का फ़ायदा क्या है कि जब आपका पशु
बच्चा देता है, जब आपके पशु की डिलीवरी होती है तो उस समय उसके शरीर गर्भाशय में जो भी मतलब कोई जेर या फिर कोई भी अंश रह जाता है जिसको छटाव बोलते हैं, कि वो धीरे धीरे जो निकलता है, क्योंकि उस दौरान 10 से 15 दिन तक हमको जो है पशु को सारी गर्म चीज़ें देनी है, और गर्म चीज़ें भी ऐसी कि जिनकी न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी हो। तो इनमें जो हमने बिनोड़ा लिया है वो भी गर्म होता है, जिसकी तासीर गर्म है। दूसरा जो हमने इसमें चने का छिलका लिया है वो भी गर्म होता है। आप चने के छिलके के साथ साथ में एक अरहर की दाल का छिलका होता है, आप वो भी प्रयोग कर सकते हैं। जो सरसों की खल है वो हमने डाली है। इसके बाद में हमने इसमें जो गेहूं डाला है वो इसलिए डाला है कि जिससे कि पशु इसको आराम से खा ले। तीसरा चौथा जो हमने इसमें आइटम लिया है, चौथा हमने लिया है इसमें गुड़। तो गुड़ से क्या है कि गुड़ इसका में से इसमें एक मीठा फ्लेवर आ जाएगा, जिससे कि पशु इसको आराम से खा लेगा और इसको छोड़ेगा नहीं, सब कुछ उसको अच्छा लगेगा। इसमें आप थोड़ा मिनरल मिक्सचर डाल सकते हैं और इसमें आप नमक आवश्यकता अनुसार आप डाल सकते हैं। जैसे कि बताते हैं कि एक पशु को 50 ग्राम नमक आपको एक दिन में देना होता है, तो आप वो इसमें डाल सकते हैं। और साथ ही साथ जब ये ठंडा हो जाए तो इसमें आप सरसों का तेल मिलाकर पशु को दें, क्योंकि सरसों का तेल मिलाने के ये फ़ायदे होते हैं कि जो पशु के अंदर जो ज़रूरत होती है प्रोटीन कंटेंट की, तो वो प्रोटीन कंटेंट सरसों के तेल में सबसे ज़्यादा होता है। तो सरसों के तेल को हमें देने का फ़ायदा, क्योंकि अगर आप सीधा आप दे सकते हैं पशु को तो सीधा दें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप सीधा तेल पशु को दे रहे हैं तो वो एक महीने के बाद आप शुरू करें। अगर आपको पहले तेल देना है तो इस प्रकार से जैसा हमने मिश्रण बनाया है, इस मिश्रण में आप डालकर उसको चलाकर अच्छे से मिक्स करके तब आपको पशु को देना है। तो जो हमने इस वीडियो में हमने जो प्रयोग बताया है, आशा करता हूँ ये हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। मैं अपने पशुओं के लिए इसी तरह का प्रयोग करता हूँ और जल्दी ही पशु जो है वो छटाव कर देता है और जल्दी ही पशु दूध पर आ जाता है, जिस कारण से किसान को कोई भी आर्थिक नुकसान नहीं होता है। और इसका एक फ़ायदा और होता है कि जैसे ही पशु का जो गर्भाशय है वो साफ़ होगा, उसकी सफाई होगी, तो वो समय से गर्भित होगा, हीट में आएगा, जिस कारण से किसान जो है आर्थिक रूप से सुदृढ़ होंगे और वो धनवान बन सकेंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारे दी गई हुई जानकारी अवश्य पसंद आई होगी। तो आगे की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।